क्या आप ब्लॉक वेबसाइट को ओपन करना चाहते हो? अगर आप एक मोबाइल यूजर हो या कंप्यूटर यूजर हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कंप्यूटर और मोबाइल के दोनों को ही एक ब्लॉक वेबसाइट को इस दोनों डिवाइस में ही ओपन करके आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आप एक ब्लॉक वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो मैं पहले अपना कंप्यूटर में ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे एक ब्लॉक वेबसाइट को ओपन किया जा सकता है। ओके, तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो दिल से थैंक्स यार। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कंप्यूटर में अब कर रहा हूँ, इसके बाद मैं मोबाइल में करूँगा। तो मैं कंप्यूटर में मैंने इस वेबसाइट को ऐसे ही सर्व किया तो ये एरर दिखा है। ये दिखा रहा है कि योर रिक्वेस्टेड यूआरएल हैज़ बीन ब्लॉक्ड एज पर द डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पर यह दिखा रहा है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू ब्लॉक कर दिया गया है। अगर इस वेबसाइट को आप सर्व करना चाहते हो तो इस वेबसाइट को सर्व करने के लिए एक एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी। तो मैं क्रोम एक्सटेंशन के पास जा रहा हूँ। तो आप सिर्फ गूगल में लिखिए एक्सटेंशन, ओके मैंने लिख दिया, ओके मैं एंटर कर दिया। तो मैं यहाँ पर अब लिखूंगा skyZIP proxy, ओके मैंने skyZIP लिखकर मैंने एंटर कर दिया। ओके, तो ये जो पहले जो एक्सटेंशन आया है इसको आप ऐड कर लीजिए। ओके, ऐड टू गूगल, ऐड एक्सटेंशन। ओके, अब यहाँ पर एक एक्सटेंशन ऐड होगा, ये अब डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए अब ये ऐड हो गया, ये अब एनेबल हो गया, क्योंकि ये जब ब्लैक होगा, ये देखो अब ये ब्लैक है क्योंकि अब ये एनेबल नहीं है। अगर मैं जब इसको क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन यानी एक्टिवेट। ओके, अगर अब मैं इस वेबसाइट को सर्च करना चाहता हूँ तो ये सर्च हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, ये अब ब्लैक है यानी डीएक्टिवेट है। ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश किया तो ये ब्लॉक दिखा रहा है। ओके, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गया। ओके, तो मैं इसको अब रिफ्रेश करके दिखता हूँ कि क्या होता है। देखो ये वेबसाइट ओपन हो गया। तो इस तरह से आप एक प्रॉक्सी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके आपके कंप्यूटर पर जस्ट एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके आप किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को ओपन कर सकता है जो कि इंडिया में गवर्नमेंट के थ्रू बंद कर दिया है। ओके, तो ये थी कंप्यूटर का प्रोसेस। अगर आप एक मोबाइल माने मोबाइल पर जो ब्लॉक वेबसाइट है उसी को अगर आप सर्व करना चाहते हो या ओपन करना चाहते हो, तो मैं भी इस प्रैक्टिकल के दिखा दूंगा कि कैसे आपको ओपन करना है। तो लेट्स गेट टू मोबाइल। ओके, मैं आ गया मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल पर, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप एक ब्लॉक वेबसाइट को सर्व कर सकते हो। अगर किसी भी तरह के आप नेटवर्क यूज़ करते हो, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया, जिस तरह के जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, और सिम यूज़ करते हो, तो आप ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो वो कैसे मैं दिखाऊंगा। आप प्ले स्टोर में जाइए, मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ। ओके, प्ले स्टोर में जाऊँगा और यहाँ पर लिखिए पावर VPN। ओके, मैं ऑलरेडी लिखा था पावर VPN, और उसके बाद पावर VPN आ जाएगा। ओके, इस तरह का इसका लोगो है, तो लोगो देख के आप पहचान सकते हो। ओके, तो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैं जस्ट इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो ये पहले इस तरह का दिखाएगा, तो आपको थोड़ी सी नीचे आना है, और ये जियो रीजन है इसको आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर अदर्स कंट्री को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप इंडिया करेंगे तो आपका वेबसाइट जो आपका ब्लॉक वेबसाइट ओपन नहीं होगा। ओके, तो मैं इंडिया को छोड़ के किसी भी कंट्री को मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि जर्मनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैं कर दूँगा
एंटर, इसका मतलब यहाँ पर ये है एक्टिवेट का बटन। ओके, ये अब एक्टिवेट हो गया और ये इसकी ऐड है, इसको बस आपको उसको छोड़ के ही आना है। तो ये हो गया अब एक्टिवेट। ओके, ये जब एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा एक की आइकॉन। ओके, की यानी चाबी का आइकॉन। ओके, तो अब इसके बाद किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को सर्व कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। ओके, तो ये जो तरीका था ये बहुत ही आसान तरीका है, और मोबाइल पर VPN पावर VPN को इस्तेमाल करके उसको कनेक्ट करके ब्लॉक वेबसाइट को ओपन करना, और कंप्यूटर पर एक्सटेंशन प्रॉक्सी एक्सटेंशन जो skyZIP प्रॉक्सी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को इंस्टॉल करना ओपन करना, ये बहुत आसान तरीका है। मैं बहुत दिनों से पहले से ही करते आ रहा हूँ, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये थी आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना और शेयर मस्ट। ओके, और सब्सक्राइब मस्ट। ओके, क्योंकि ये फ्री है और फ्री का माल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।